जो हमारे जट प्रभजोत भाई का एक्सीडेंट हुआ था नेपाल में S2 से, ये वो जगह है। देखो आज की राइड पर निकलते ही हमारे साथ केस हो गया, नेपाल में हमारा भी स्टिकर आ चुका है। मैं तो बहुत करीब पहुंच चुका हूं अपने सपनों के। बहुत सारे लोग इंडिया से नेपाल विजिट करने के लिए अपनी बाइकों पे आते हैं, और कुछ दिन पहले भी हमने एक व्लॉग पे रिएक्शन दिया था जो कि लोग कुछ लोग काठमांडू में थे। अब हमारे पास एक व्लॉग आए हैं जो कि कुछ व्लॉगर जो है वो पोखरा के अंदर मौजूद है, पोखरा को उन्होंने विजिट किया, एक्सप्लोर किया, उसके बाद वो पोखरा से काठमांडू के लिए निकले है और ये अपनी बाइकों के ऊपर निकले। तो हम आज जो है इस व्लॉग के अंदर नेपाल के रोड को भी देखेंगे और नेपाल के बाकी जगहों को भी देखेंगे। भाई अगर इंडियन नेपाल के अंदर बाइकों के ऊपर आता है तो क्या क्या चीजों के मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा और क्या क्या चीजें आप एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन ब्लॉगर के व्लॉग को देखेंगे जो कि पोखरा से काठमांडू आएंगे और बाइक के ऊपर, अपनी सुपर बाइक के ऊपर आएंगे। तो चलिए पहले इनके व्लॉग को देखेंगे और फिर आपको बताते हैं कि इंडियन लोग नेपाल के बारे में क्या बात करते हैं और स्पेशली नेपाली रोड्स के बारे में क्या बात करते हैं। आइए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जो हमारे जट प्रभजोत भाई का एक्सीडेंट हुआ था नेपाल में S2 से, ये वो जगह है। देखो आज की राइड पर निकलते ही हमारे साथ केस हो गया, नेपाल में हमारा भी स्टिकर आ चुका है। मैं तो बहुत करीब पहुंच चुका हूं अपने सपनों के। गुड मॉर्निंग गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज है नेपाल में हमारा day 5। जैसे कि हम पोखरा में हैं 4 दिन से, आज 5वां दिन है, सुबह के बज रहे हैं 7:30। अब हम निकलेंगे यहाँ से काठमांडू के लिए। शायद अभी सो ही रहा है, इसको फटाफट उठाते हैं। लकी भाई से बात हो गई, लकी भाई हमारा वेट ही कर रहे हैं। बस ये हमारा सामान कुछ यहाँ ऐसे, ये मेरे सैडल बैग, ये टेल बैग और टैंक बैग। फटाफट से निकलते हैं यहाँ से अपना सामान पैक करके, तो फिर निकलते हैं। अब लगेज सेट करेंगे अभी चल के नीचे, यही जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर हम। ये हमारे सैडल बैग, सुबह का सबसे ज़रूरी काम राइड पर निकलने से पहले। अभी हम लोग जा रहे हैं लक्की भाई के घर पे, होटल से नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। वेलकम टू माय चैनल बैक, मी ब्लॉगिंग, मी काठमांडू गोइंग, मी मम्मी पापा बोलिंग, मी लगेज सेट करिंग बाइक में एंड गोइंग काठमांडू और काठमांडू मिलिंग गोइंग। आज से फिर सफर चालू हो गया हमारा, 4 दिन हमने फुल एंजॉय किया है यहाँ पे, अब आगे का सफर शुरू हो गया है। अब नहीं रुकेंगे 4 दिन, जैसे यहाँ पे स्टे किया है ना हमने, तो अब कहीं भी ऐसे नहीं रुकेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाएगा, नहीं तो हमें, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 1 हफ्ता होने वाला है। आज क्या दिन है? आज मंडे शायद। अरे नहीं मंडे कहाँ है, आज तो पता नहीं क्या दिन है, आज का दिन भी नहीं पता चल रहा यार, ट्यूसडे है आज। तो हमें 6-7 दिन हो गए निकले हुए। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी चलने के लिए। लक्की भाई घर वालों को कह रहे हैं सी ऑफ, वो खड़ी है नानी मोम, और इधर आए डैड और साथ में है कोको भी, साथ भी हेलमेट वगैरह लगा रहा है। बस ऑलमोस्ट रेडी है निकलने के लिए। आज का सफ़र होने वाला है ज़बरदस्त, हमारे लिए बिल्कुल नया सफ़र है, नए देश में नया सफ़र। पोखरा से जाएंगे काठमांडू, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो, क्योंकि इंटरनेशनल घूम रहे हैं हम लोग। कि आपसे रिक्वेस्ट है, आप दुआ करें, प्रेयर करें हमारे लिए, हमारा सफ़र सही से हो जाए, सब खैरियत रहे। बाकी मिलते हैं अभी आपको बाइक के ऊपर। देखो आज की राइड पर निकलते ही हमारे साथ केस हो गया। लकी भाई जो है ना मेमोरी कार्ड लगाते गोप्रो में, और जो है ना वो चल नहीं रहा मेमोरी कार्ड, और इसको कर रहे हैं हम फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग भी नहीं हो रहा, मतलब फॉर्मेट भी नहीं हो रहा है, तो निकलते ही प्रॉब्लम हो गई। जैद हम लेट हो रहे थे उसके बाद और लेट हो गए इस चक्कर में, और इसके बिना तो खैर हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि गोप्रो नहीं होगा तो फिर ब्लॉगिंग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसके लिए हमें रुकना पड़ा। हम बैठे हैं लक्की भाई की शॉप पे, भी खोल रहा है, 128 GB का कार्ड लगाया तो वो चल ही नहीं रहा है, नया कार्ड लेके आया था मैं दिल्ली से। राइड कंटिन्यू करते हैं, 32 GB का कार्ड है अभी, उसको यूज़ करेंगे जैसे भी करके। ये हमारी बाइक खड़ी है, लकी भाई ले रहे हैं यहाँ से नया मेमोरी कार्ड, मैं जो इंडिया से लाया था वो तो चला ही नहीं, और अब उन्हें लेना पड़ रहा है यहाँ से नया मेमोरी कार्ड। यहाँ पे बहुत महंगा है, हमने वहाँ से 1000 का लिया है और यहाँ पे पड़ रहा है ये लगभग 1800 रुपये का, वो भी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करके। ये लोकल है, इनको तो 1800 का पड़ रहा है, नहीं तो नॉर्मली बताया था 3000 रुपये का। तो हम पोखरा के रोड से निकलते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे इसुजू का शोरूम है, हुंडई का शोरूम है,
मतलब ये जीप का शोरूम है हयात भाई, वो खड़ी है रूबिकॉन तुम्हारी, यहाँ पे सब बड़ी गाड़ियों के शोरूम है। लेट काफी हो गए हम लोग, उम्मीद नहीं थी, हम ये सोच रहे थे 10 बजे तक तो हम कम से कम 60-70 किलोमीटर चला देंगे, लेकिन अभी वही अभी 2 ही किलोमीटर चले हैं हम घर से। तो ये हमारे राइट में आ गया पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 1 जनवरी 2023 को ही परसों इसकी ओपनिंग हुई है। काठमांडू 194, 6 से 7 घंटे लग जाएंगे क्योंकि टोटली पहाड़ों का रास्ता है ये। गाइस देखो मौसम मिल गया है कितना खतरनाक सा, हमें बहुत ठंड है यहाँ पे और ये पूरे बादल आए हुए हैं पहाड़ों पे। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, राजधानी है पोखरा से, क्योंकि मेन दो ही सिटी है यहाँ पे, पोखरा और काठमांडू। पोखरा से काठमांडू 4 लेन बना रहे हैं जिसका काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। आने वाले टाइम में ये रोड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये जब से मैं नेपाल में एंटर हुआ पहली मस्जिद दिखी है मुझे यहाँ पे, शायद थोड़े मुसलमान होंगे क्योंकि अभी तक कोई भी मस्जिद नहीं दिखी, ये पहली मस्जिद है काठमांडू जब से मैं नेपाल आया हूँ। तो ये वाला व्यूज देखें आप लोग, क्या ही खूबसूरत व्यू है। जो व्यूवर मेरे चैनल पर नए हैं वो और मेरी वीडियो यहाँ से देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आओ साथ में मिलके सपने पूरे करते हैं। आप भी चलो मेरे साथ और आप भी सपने पूरे करो, मैं भी सपने पूरे करता हूँ अपने। मैं तो बहुत करीब पहुँच चुका हूँ अपने सपनों के, क्योंकि मैंने जो सपने सोचे थे वो पूरे हो रहे हैं लगभग, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों के भी अगर कोई सपने हैं तो आप लोग भी पूरा करें उन सपनों को। मेरी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो आप पूरी नहीं कर सकते, जो आप चाहो और वो पूरे ना हो, लेकिन बसरते उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम एक बार और रुक गए हैं, वो अपना GoPro फिर से सेटअप कर रहे हैं, उनकी भी मेमोरी फुल हो गई। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे JCB लगी हुई है। तो ये आ गया एक ब्रिज यहाँ पे और बड़ी सी, बहुत बड़ी सी नदी, यहाँ की नदियों का बिल्कुल साफ पानी है। यहाँ पे आ गया है लक्की भाई का एक पसंदीदा कैफे, कंटेनर कैफे। ये देखो इनका डांस, ओए ओए। जब ये घर से चले थे तभी कह रहे थे पहला रेस्ट जो लेंगे कंटेनर कैफे पे लेंगे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे कंटेनर कैफे और यहाँ पे लक्स राइडर, और इनका ये पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, इनका स्टिकर ये यहाँ पे लगा हुआ है लक्स राइडर का। और शायद जी अब हमारे लगने जा रहा है यहाँ पे, अब हम भी वायरल होंगे थोड़े से, हम भी वायरल हो जाएंगे। ये आ गया हमारा स्टिकर और वो भाई ए, इसके पे लगा देना सीधे वाले पे, इस पे लगा दो। हाँ बस ये लग, ओ नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, होटल पेरेंट्स लो जी अपना, ये लग गया हमारा भी स्टिकर नेपाल में। एक छाप छोड़ दी हमने नेपाल में, हमारा भी स्टिकर आ चुका है, एक छाप छोड़ नेपाली हो गए भी नेपाली भाई। ए खेंचो छाए आई एम चो केंचो टॉप, सिखा दो यार कोई तो सिखा दो, नेपाली सिखा दो भाई यार। सच में नेपाली लोग बहुत बहुत कूल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं यार। तो गाइस ये आ गई है हमारी सेल रोटी, रोटी है सेल है, और ये आ गई है कॉफी, भैया कॉफी लेके आ रहे हैं। कैपेचिनो 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 नहीं कैपेचिनो कैपेचिनो भाई, देखो इंग्लिश इतनी आती नहीं भाई, सीधी सी बात है, बहुत सीधे से लोग है। मैं हमारी वाली बोल रहा हूँ ना, खापाचिनो है, खापाचिनो हमारी लैंग्वेज है। यहाँ के खूबसूरत से कैफे को करते हैं अलविदा। यहाँ पे रोड से साइड में हमें दिखा एक नदी के ऊपर बहुत प्यारा सा पुल, तो हमने सोचा वहां पे जाके कुछ शॉट वगैरह लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं फोटोशूट और कुछ रील्स बना रहे हैं लक्स राइडर भाई। यहाँ पे अपन लोग रुके थे भाई कुछ ब्यूटीफुल से व्यू पे, एंड अभी बारी यहाँ से निकलने की। तो भाई जी रोड की हालत तो हो रही बहुत ख़राब यहाँ से, एंड यहाँ पे कहीं कहीं पे हमें ठीक रोड मिल रहा है। बाकी लक्की भाई बता रहे कि कुछ टाइम पहले मतलब जब ये आए थे तो मतलब हाईवे था पूरा सही मस्त वाला, बट अभी यहाँ पे टूट फूट हो गई भाई। अभी आ चुका है गाइस कुछ ऐसा सा व्यू, एंड भाई आगे आप लोग पहाड़ देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं भाई, मतलब क्या ही कहे यार, यहाँ की हर चीज़ एकदम यूनिक ही है यार।
एंड भाई ये वाली अपनी राइड भाई इंटरनेशनल राइड है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई दिल से कि भाई हम लोग इंटरनेशनल राइड कर रहे हैं साथ में बोर में भाई। ऐसा हमने सोचा नहीं था कि कभी हम लोग इंटरनेशनल राइड भी करेंगे, बट भाई तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारे राइट साइड में भाई पावर हाउस कितना बड़ा है यहाँ पे, मतलब इंडिया वगैरह में ना यहीं से बिजली सप्लाई होती है। तो हम लोग यहाँ काठमांडू के रास्ते पे जा रहे हैं, काठमांडू भाई जाम मिल गया भाई रास्ते में हम लोग को भाई साहब, पूरी लाइन लगी पड़ी है भाई। हम तो बाइक से भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएंगे, बट भाई जो लोग कार वगैरह से आ रहे हैं ना भाई उनकी तो वाट लगनी है भाई, यहाँ पे फंसे पड़े रहोगे भाई। देख सकते हो लोग कितना ही खूबसूरत हुआ है भाई यहाँ का ये वाला पुल, एंड यहाँ पे सब लोग फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। तो भाई रुकते हैं यहाँ पे एंड फोटो वगैरह लेते हैं भाई, व्यू तो काफ़ी ज़्यादा यार ऑसम है यहाँ का भाई साहब, इतना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है एंड सभी लोग फोटो शूट वगैरह ही कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं भाई, आप लोग देख सकते हो पुल कितना ज़्यादा खूबसूरत व्यू है भाई यहाँ का। तो हम सोचे यार यहाँ पे रुक के हम लोग फोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं, बिकॉज भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब शायद ही ऐसा गोप्रो में कैप्चर हो रहा होगा जितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। सब लोग यहाँ पे फोटो शूट ही कर रहे हैं एंड लक्की भाई उधर अपने एंड इधर अब खड़े हैं। एंड तो गाइस आज की राइड में फुल मज़ा आ रहा है, एंजॉय फुल हो रहा है। एंड भाई इधर देखो भाई आप लोग एक बार, मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना भाई मैं बता नहीं सकता आप लोग को बिल्कुल भी। वहाँ पे आई शायद से आप लोग को दिख रहे होंगे, बट उधर पे भी कुछ लोग हैं वहाँ पे नीचे चिल वगैरह कर रहे हैं। एंड देखो कुछ इधर भी बैठे हैं भाई, पता नहीं आई कैसे गए वो नीचे, इतना दूर हम लोग तो जा नहीं सकते। ये कौन सी जगह है? मुगलिंग मुगलिंग। अच्छा मुगलिन। अच्छा यहाँ से काठमांडू कितना होगा? 110। चलो ये है मुगलिंग और यहाँ से काठमांडू रह गया है 110 किलोमीटर। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। तो ये एक राइडर और आए हैं यहाँ पे फ्रॉम, अच्छा बाइक कहाँ की है? बाइक तो लोकली है। जैसे कि रुके थे मुगलिंग पुल पर और यहाँ पे खा रहे हैं, यहाँ की कोई फेमस चीज़ है चटपट, जैसी हमारे यहाँ होती है, मतलब जैसी हमारे यहाँ भेलपुरी होती है उस टाइप की ये चटपट है। वैसे तो बहुत टेस्टी है, यहाँ पर खड़े होके चटपट कर रहे हैं इंजॉय। ये जो रास्ता है सीधे जा रहे हैं काठमांडू और यहाँ से हम राइट हो जाएंगे तो पहुँच जाएंगे हम सनौली बॉर्डर, और पीछे से हमारे यहाँ पोखरा वाली साइड। तो ये रास्ते में हमें मिल गए हैं भैया ये, हाँ जी ये कौन सी बच्ची है? कौन सी है ये? हाँ मछली। कौन सी? नदी का। हैं? नदी का मछली। नदी का। तो ये कहाँ से लाते हो आप? यहाँ नीचे से ही पकड़ी, रिवर से? अच्छा तो अंदर से साफ भी कर रखी है? हाँ। पूरी साफ है? साफ है। कितने रुपए केजी है ये? हाँ ये 800 का है। 800 का? 800 रुपए का 1 2 3 4 5 6। अच्छा 800 रुपए की 6 है ये। हाँ लकी भाई क्या हुआ यहाँ क्या? हाँ ये सांप 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 सांप। अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे? ये हम पहुँच गए मलेगू, यहाँ पे लाइन से इस तरह से मच्छी की पकोड़े की शॉप है। ये सब आप देख रहे होंगे ये टंगी हुई है, ये सब छोटी छोटी जो मच्छी होती है और जो झींगा आई थिंक वो भी सब उस तरह की है ये। तो ये है इन्होंने ऐसे टंगा रखी है, इसको करेंगे फ्राई। ये तो ये कर दिया हमने यहाँ पे फिश ऑर्डर, हमारे लिए ताजी ताजी फ्राई करे है भैया। एकदम फ्रेश फिश है, फ्रेश है एकदम लोकल लोकल, यही नदी का लोकल, ये पीछे नदी जो चल रही है वही नदी का मछली है। अच्छा ये बिल्कुल ताजा फिश है, ताजा फ्रेश है। तो हमारी फिश हो गई है फ्राई, भैया लेके आ गए। ये रखी है हमारी फिश, 400 किलोमीटर सुबह से चला और यहाँ पे चल रही है हमारी वीडियो, बॉडी में थकान तो ही रही थी लेकिन इतनी। और इधर चल रही है अपलोडिंग लक्स भैया की। अब निकलते हैं, काफ़ी देर हो गई, पौना घंटा हो गया यहाँ पे बैठे हुए। हम लोग ये सब दिखाने के लिए आए हैं यहाँ पे, क्या चीज़ है, कैसे है, कहाँ के रास्ते हैं, कैसे रास्ते हैं, तो वो सब आपको दिखाना पड़ता है। तो अगर नेपाल से कोई मुझे देख रहा होगा और ख़ास तौर से इस रूट से, तो भैया कसम से बहुत अच्छा है नेपाल, और नेपाल के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत मिलनसार हैं। पर थोड़ा सा कहूँगा यहाँ पे जो बस चलाते हैं ना वो बहुत ही एकदम बेतरीके से बस चलाते हैं, वो देखते ही नहीं सामने से कोई आ रहा, एकदम ऐसे चढ़ा के ले आएंगे ऊपर, खुद को ही साइड में घुसना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा उन लोगों को केयरफुल चलाना चाहिए, सामने आने वाले की भी थोड़ी सी फिक्र करनी चाहिए। यहाँ से 75 है काठमांडू,
जो हमारे जट प्रभजोत भाई का एक्सीडेंट हुआ था नेपाल में S2 से, ये वो जगह है। और इधर ही नाला जैसे ये चल रहा है इस साइड में, यहीं पे जट प्रभजोत का एक्सीडेंट हुआ था हमारे जट प्रभजोत भाई का। ऊपर वाला उनकी तंदुरुस्ती जल्दी से जल्दी कर दे, वो फिर से राइड करने लगे क्योंकि वो हमारे पसंदीदा यूट्यूबर में से एक है। आना है सामने, यहाँ पे बता रहे हैं कि जट प्रभजोत भाई की बाइक यहाँ पे खड़ी है, वो S2 इस थाने में। गलौंदी पुल, यहाँ पे कोई छोटा सा भी देखो, ये बिल्कुल छोटा सा पुल है, तो हर पुल का नाम है, हर पुल का नाम है यहाँ पे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं देखा मैंने, यहाँ पे कितना भी छोटी सी पुलिया भी होगी तो उसको पुल का उसका नाम दे रखा है। एक साइड में मेरे नदी चल रही है, 100 किलोमीटर से ज्यादा हो गए हम लोगों को चलते हुए, ये ऐसे ही चल रही है हमारे साथ साथ। काठमांडू रह गया है लगभग 40 किलोमीटर। तो ये पेट्रोल फिल कराने के लिए रुके हैं हम यहाँ पे, हमारी नेपाल में तीसरी फिलिंग है। तो यहाँ काठमांडू से जस्ट पहले बन रही है एक टनल, ये जो काफी रास्ता कम हो जाएगा काठमांडू का, कम से कम 20 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। ये लगभग काठमांडू में एंट्री हो चुकी है हमारी, पूरी सिटी में तो नहीं अभी हम एंटर हुए, लेकिन ये भी काठमांडू ही है। तो हम जैसे कि होटल पे पहुंच गए थे और अब जा रहे हैं बाहर, कुछ खाना वाना खाएंगे और थोड़ा सा मार्केट देखेंगे यहाँ की लोकल मार्केट। तो लकी भाई क्या है इस मार्केट का नाम? थमेल मार्केट। थमेल, हाँ, जो मेन टूरिस्ट मार्केट है वो काठमांडू का थमेल मार्केट है। बाकी अगली वीडियो में वो जो हम दिखाएंगे, वो दिखाएंगे बौद्ध टेम्पल और बाकी जो भी मेन मेन जगह है वो अगली वीडियो में, उसके लिए थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। बाकी क्लू मैंने दे दिया है कि ऐसी ऐसी जगह हम जाने वाले हैं काठमांडू एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मेन मार्केट जाते हैं, थमेल दिखाते हैं आपको खाना खाने, लेकिन वो बता रहे हैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये डल रहा है चावलों के ऊपर देसी घी, ओ वाओ। लेकिन भाई एक बार ये बता दो हमें, मतलब ये क्या क्या इसके अंदर? अच्छा जी, थाली के अंदर तो ये क्या है? ये चटनी है जी टमाटर की। अच्छा, और ये अचार है करेला और मूली का। अच्छा, और इसको कुछ गुंदरुक बोलते हैं समथिंग। अच्छा, और ये भी अचार टाइप होता है, ये साग है। ये तो हर थाली में, हर मतलब ये पूरे नेपाल में खाया जाता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा खाया जाता है। ये जो होता है ये साग होता है, तो अच्छा यहाँ का साग है बस, लेकिन इस तरह का मिलेगा ये? ये हाफ कुक रहता है, समथिंग स्टीम टाइप रहता है, तो ऐसे खाया जाता है इसको, आधा कच्चा आधा पक्का खाया जाता है, तो हेल्दी रहता है। बाकी ये तो अपनी गोभी, गोभी और ये दाल, पानी वाली दाल, और उसमें घी डाला हुआ है। हाँ, और ये क्या है? दही है। दही है। और ये चावल पापड़। भैया दोबारा आ गए हैं हमें देने के लिए सब कुछ, जो जो भी कम है, जो जो चाहिए। तो हम खाना खा के निकल गए यहाँ से। खाने का हमने 3 थाली ली थी, जो यहाँ की लोकल थाली होती है, तो उसका 3 थाली के बने हमारे 1200 नेपाली रुपीस, मतलब ऑलमोस्ट 750 इंडियन रुपए। तो 250 रुपये में एक आदमी का, तो ठीक था, कोई ज़्यादा नहीं है। अनलिमिटेड, और वो भी अनलिमिटेड, कितना भी आप खा सकते हो। अब एक बार लो, दो बार लो, तीन बार लो, दो बार तो हमने लिया ही है, मतलब अच्छा था, ठीक है, खाना भी ठीक था, अच्छा था खाना। आप शायद सोच रहे होंगे ये जो ना थाली खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे या तो ये वेज में थाली मिलती है, नहीं तो फिर नॉन वेज मिलता है। नॉन वेज हम लोग वो वाला नॉन वेज नहीं खाते जो यहाँ पे मिलता है, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ये वेज थाली। आप लोगों ने जैसा देख लिया, हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। होटल में आ चुके हैं भाई, रूम जो है भाई 3rd-4th floor पे जाके बैंड ऐसी बजी पड़ी है अपनी, एंड भाई ऊपर चढ़ने और हालत खराब होते हैं। तो आज का हम लोग एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक कर देना, चैनल को देना सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए बाय, मिल आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, बेसिकली ये पोखरा से काठमांडू के लिए व्लॉग था, बाइक था, मोटो व्लॉगिंग थी। और आप सबको पता है कि भाई नेपाल के अंदर जितने भी इंडियन व्लॉगर्स आते हैं, इंडियन बाइकर्स आते हैं, तो वो पहले काठमांडू आते हैं, फिर काठमांडू से जो है वो पोखरा की तरफ जाते हैं, पोखरा फिर बाकी जगहों को घूम फिर के वापसी काठमांडू आते हैं। अब जिनके पास बाइकें नहीं होती वो लोकल सवारियों के अंदर आते जाते, बट जिनके पास बाइकें होती है वो लोग इंजॉय ज्यादा करते, क्योंकि भाई जगह जगह पे आप रोक सकते हैं। अब लोकल सवारी में तो आप जगह जगह पे रोक नहीं सकते गाड़ी को, ना वो तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंच चाहेगी। आपने काठमांडू जाना है पोखरा से, तो पोखरा से काठमांडू के बीच में जितनी जगह होगी वो अगर बस का 1-2 स्टॉप होंगे तो वहां रुकेगा, वरना वो चलेगा। जब आपके पास बाइक होगी तो आप कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी पानी के लिए रुक सकते हैं, चाय के लिए रुक सकते हैं, ढाबे के ऊपर रुक सकते हैं। ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपके पास अपनी सवारी हो, कार हो, भले आपके पास बाइक ना हो, कार हो या कार नहीं हो तो बाइक हो, इन दोनों सहूलियात के अंदर आपको बड़ा मजा आएगा, एंजॉय आप ज्यादा कर सकते हो। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जट प्रभजोत के नाम से एक इंडियन व्लॉगर था जो कुछ टाइम पहले, तकरीबन साल पहले,
नेपाल के अंदर आए थे और इनका एक्सीडेंट हो गया था, नेपाल विजिट करना था। तो उनके व्लॉग के ऊपर भी हम इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद रिएक्शन देंगे, उनके बाकी जो व्लॉग्स हैं उनको भी देखेंगे कि किस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था, क्या चीजें हुई थी, के बाद क्या क्या मसले हुए थे। आज जो व्लॉग है ना उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि भाई पोखरा से जो आप काठमांडू की तरफ आओगे तो रोड खराब है। कुछ टाइम पहले हमने एक इंडियन व्लॉगर के व्लॉग के ऊपर रिएक्शन दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई काठमांडू से अगर आप पोखरा जाओ या पोखरा से काठमांडू आओ इसके बीच में कई जगह पे रोड खराब है। तो वो बात अब सच सामने हो रही है कि भाई बहुत सारा रोड खराब है नेपाली गवर्नमेंट के ऊपर। नेपाली गवर्नमेंट को इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए क्योंकि बाइक जो होती है ना वो गाड़ियों से तेज चलती है और ये हैवी बाइक्स, तो इनके लिए आप लोगों को या अपने आम आवाम के लिए भी रोड आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आपकी जो लोग है वो विजिट करेंगे, वरना यही बात होगी। क्योंकि ना कि सिर्फ इंडियन लोग बल्कि फॉरेनर्स के भी हमने जो व्लॉग्स देखे उसमें भी वो लोग यही बात करे कि भाई यार रोड सही नहीं है, रोड थोड़ा बेहतर होंगे तो होंगे। जो मेन सिटी है ना वहां पे तो रोड बेहतर हो चुके हैं, बट जो सिटी की आउटसाइड सिटी है जैसे कि एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ आप जाते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट तक 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक रोड सही है, फिर उसके बाद आपके रोड खराब हो जाते हैं। तो नेपाल की गवर्नमेंट को, नेपाल की आवाम को, अपनी गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि भाई ये रोड सही करें, और रोड सही होंगे तो आगे के जो सफर है वो लोगों को एंजॉय करेंगे। पोखरा से जब आप वापसी आओगे तो जितने यार ये पहाड़ी मुल्क है ना, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ये सारा मुल्क, तो आप कर्व होते हैं, आप ऊपर चढ़ाई होती है फिर कर्व होते हैं, आप वहां पे ही रोड खराब है तो आप वहां पे सही तरीके से नहीं जा सकते, बाइक गिरने की चांसेस ज्यादा है, बाइक खराब होने के ज्यादा चांसेस है, जो है ना गाड़ी वगैरह भी जाती है तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी आज का व्लॉग मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैं खुद आज पोखरा से काठमांडू का व्लॉग देखा, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी वो आज पता चली। इस व्लॉग के अंदर हम ये भी देखा कि जट प्रद्युत भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी हमने देखा, पोखरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हम लोगों ने इस व्लॉग के अंदर थोड़ा बहुत देखा। तो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।